सो गाइस आज की इस वीडियो में वर्कआउट करने वाले आपके अपर चेस्ट का, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये अपर चेस्ट का वर्कआउट वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये अपर चेस्ट का वर्कआउट है आपका कॉलर बोन जो होती है, ये जो बोन होती है इसके नीचे एक ब्लेड्स बनते हैं तो उसका ये वर्कआउट है दोस्तों। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल इंक्लाइन लो टू हाई फ्लाई। तो आपको समझना है पूरा वर्कआउट को, इस एक्सरसाइज को। तो आप इंक्लाइन का जो बेस रखेंगे, आपकी जो भी इंक्लाइन की रॉड हो, सॉरी बेंच होगी, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादा भी लो जाती है हाई भी जाती है। तो आपको इस तरीके से स्टैंड रखनी है, ठीक है। तो पहले आपको ये पोजीशन समझनी है, देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज अप्लाई करनी है। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से 1 2, ठीक है, 3 4, ये इस तरीके से चलना है आपको, ठीक है ना। तो आपको जिसकी रेपिटेशन लेनी है वही आपको सेम पड़ेंगी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। गेनिंग वालों के लिए 12, 12, 15 एंड ट्रांसफॉर्मेशन वालों के लिए 15, 15 के तीन सेट हैं और 20 का लास्ट सेट है। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे सीटेड केबल लो टू हाई फ्लाई। तो आपको यहाँ केबल लेनी है, जैसा कि आपको पता है ऑलमोस्ट ये केबल क्रॉस वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ से आपको केबल लेनी है इस तरीके से, ठीक है। तो आप नीचे डिक्लाइन मोड पर डाल देंगे इसको प्रॉपर, और इस चेयर पर आपको इस तरीके से बैठना है, ठीक है। सेम वही आपको लो टू हाई फ्लाई इस तरीके से आप, देन 2 3, ओके 4। तो आपको इस तरीके से चलना है। तो वही सेम रेपिटेशन बनेंगे इनकी भी, वही 12 12 के जो है दो सेट है और 15 का लास्ट है, आई मीन लाइक आपका जो गेनिंग का है 12 12 15 एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन का 15 15 के तीन और 20 का लास्ट। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। तो आपको पता ही है एक्सरसाइज के बारे में, इंक्लाइन बारबेल प्रेस के बारे में। तो आपको सिंपल सा ये स्टेप उठाना है लाइक दिस, ओके, और आपकी ये पोजीशन रहेगी प्रॉपर लाइक 1 2 इस तरीके से 3 4। तो वही एक्सरसाइज की जो रेपिटेशन बनेंगी आपको गेनिंग के लिए 12 12 15 और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बनेंगी 15 15 के तीन और 20 का लास्ट। तो गाइस फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स। तो डिक्लाइन पुशअप्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पोजीशन बनानी है, 1 फीट से ऊपर आप अपनी बेंच ले लीजिएगा कोई सी भी, या फिर सोफा हो या घर में कभी भी एक्सरसाइज कर रहे हो उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 1 फीट के ऊपर हमारे लेग्स रहते हैं। सो लाइक 1 2 3 4, तो इस तरीके से आपको डिक्लाइन पुशअप्स करनी है प्रॉपर। थोड़ी हैवी लगेगी जैसा कि मैं लास्ट टाइम बताया था, तो वही कम रेपिटेशन निकालिएगा, 10 10 के तीन सेट निकाल लें, नहीं तो 12 12 15 के तीन है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन के 15 15 के तीन और 20 का लास्ट, ओके। सो गाइस लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस। तो आप सभी को पता है इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस कैसे की जाती है ऑलमोस्ट। तो आपको बस पोजीशन पे ध्यान देना है, ठीक है। डंबल ऐसे नहीं मुड़ने चाहिए, नहीं ऐसे मुड़ने चाहिए, तो एकदम स्ट्रेट इस तरीके से रहेंगे। सो नाउ 1 2 3 इस तरीके से 4, ओके। सो आपको इसकी रेपिटेशन वही सेम रखनी है, 12 12 15 आपकी गेनिंग वालों के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन वालों के लिए आपकी 15 15 के तीन 20 का लास्ट। एंड होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो काफी हद तक पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर दबा के करें, और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे उनको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल जाए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।